21 अप्रैल 1526 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। बाबर महज 12 साल की उम्र में फरगाना घाटी के हुक्मरान बन गए थे, लेकिन उस वक्त वो अपने तख्त को बरकरार नहीं रख सके और जल्दी ही उनके चचाओं ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें गद्दी से हटा दिया। इसके बाद वो 2 साल तक इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान उनके साथ कुछ वफादार सिपाही थे। बाबर ने समरकंद पर हमला किया और उसे जीत भी लिया, लेकिन उसी वक्त उनके एक सिपा सालार ने फरगाना पर कब्जा कर लिया। जब बाबर फरगाना पर कब्जा करने वापस जा रहे थे तो उनके सिपाहियों ने समरकंद में उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद समरकंद और फरगाना दोनों ही बाबर के हाथों से निकल गए। शहनशाह बाबर की पहली ख्वाहिश समरकंद थी, जिसे उन्होंने कई बार जीता और गंवा दिया।